हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिखा। वेलकम टू माय चैनल यूमी एंड फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं रुमाली रोटी। रुमाली रोटी को आप बिल्कुल ढाबा स्टाइल में घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। रुमाली रोटी बनाने के लिए मैंने ऐसे टिप्स दिए हैं जिससे कि वो एक दिन तक पूरा सॉफ्ट रहेगी रुमाली रोटी, तो आप उसे रख के 2-4-5 घंटे बाद भी खा सकते हैं। और दूसरी टिप मेरी इसकी है कि अगर आपको बहुत सारी रुमाली रोटी एक साथ बेलनी हो तो कैसे बेलेंगे, तो आप मेरी ये रुमाली रोटी बनाने की वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी तो आप हर गेस्ट के आने पर भी अब रुमाली रोटी ही बनाएंगे, क्योंकि रुमाली रोटी को बनाना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं रुमाली रोटी बनाना। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। रुमाली रोटी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। 1 कप मैदे में मैं 1/2 कप आटा डाल रही हूँ। आप जितनी भी क्वांटिटी लें, उस जितना मैदा हो उससे आधा आपको आटा लेना है। तो मैंने यहाँ 1 कप मैदा लिया है, तो मैं 1/2 कप आटा ले रही हूँ। और साथ ही मैंने लिया है 1 चुटकी या 1/4 चम्मच आप कह सकते हैं बेकिंग सोडा, और नमक स्वादानुसार 1/2 छोटी चम्मच, 1 बड़ा चम्मच घी लिया है, यहाँ पे आप तेल भी ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है आटा गूंदने के लिए दूध, जो मैंने थोड़ा गुनगुना दूध लिया है, और दूध से आटा गूंदने पर रोटी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो चलिए आइए रुमाली रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। रुमाली रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक ये बड़ा बाउल लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा, और इसी के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आटा, और इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। इन सबको हम अच्छे से आटे में मिक्स कर देंगे, और अब हम आटे में घी डाल लेंगे। अगर आपको घी पसंद नहीं हो तो आप इसमें थोड़ा तेल भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। घी को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इस तरह से करते हुए थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते हुए सॉफ्ट आटा गूंदकर तैयार करेंगे, जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं, लेकिन इसका आटा हमें थोड़ा सॉफ्ट गूंदना है। ये आप देखेंगे कि मैंने इस तरह का सॉफ्ट आटा जो है वो गूंदकर तैयार कर लिया है, और इतना आटा गूंदने में मुझे 1 कप से थोड़ा ज़्यादा दूध का यूज़ किया है। और अब हम इस आटे पर हल्का सा घी लगा के इसे थोड़ा चिकना कर लेंगे, और इसे मैं मसल के थोड़ा सॉफ्ट कर लूँगी आटे को। रुमाली रोटी बनाने के लिए आटा जो है वो हमें थोड़ा सॉफ्ट चाहिए, और इस तरह से थोड़ा सा घी लगा के हम आटे को अच्छे से चिकना कर लेते हैं, तो रुमाली रोटी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और ये आप देखेंगे कि हमारा आटा जो है वो अच्छे से चिकना हो गया, और इतना सॉफ्ट है ये आटा, और ये आटा जो है वो हमारा गूंदकर तैयार हो गया है। और अब हम इस आटे को एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे, और इस पे मैं हल्का सा इस तरह से घी लगा दूंगी, बहुत ही हल्का सा लगाना है आपको। और इस तरह हम आटे को किसी भी कपड़े से, मसलिन क्लोथ से ढककर, ये जो कपड़ा है ये मैंने थोड़ा गीला कर लिया है, और इससे मैं ढककर अच्छी तरह से आटे को 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे हम, जिससे कि आटा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, और अच्छे से इसमें ग्लूटेन जनरेट हो जाएगा, तो आटा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। और 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आटा किस तरह से, और फिर हम रुमाली रोटी तैयार करेंगे बेलकर। 20 मिनट हो गए हैं, और हम आटे को चेक कर लेते हैं, और ये हम देखेंगे कि आटा बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। और इस आटे को मैं एक बार बाहर निकाल के हल्का सा घी लगा के इस पर वापस से थोड़ा चिकना कर लूँगी। इस तरह से आप अपनी जो किचन शेल्फ है उस पर ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आटा जितना हमारा चिकना होगा उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही रोटी हमारी सॉफ्ट बनेगी। और किचन शेल्फ को आप पहले अच्छे से क्लीन कर लें, और आटा गूंदने का काम जो है वो पूरा हाथों से होता है, तो आपके हाथ भी अच्छे से नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और ये आप देखेंगे कि हमारा आटा जो है इस तरह से इतना सॉफ्ट आटा जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इस आटे की लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। आटे को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और इस तरह से हम आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। रुमाली रोटी जो है वो बहुत ही पतली बनती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी लोई हमें इसकी नहीं बनानी है, छोटी छोटी लोई तैयार करनी है। और जिस भी बर्तन पर आप बना रहे हैं उसी के हिसाब से ही हम इसकी लोई बनाकर तैयार करेंगे, जितना उस पर कम्प्लीट पूरा आ जाए। और इस तरह से ये एक लोई को हमने इस तरह सॉफ्ट कर लिया है, और बाकी की जो आटा है उसे आप गीले कपड़े से कवर करके ही रखें, अदरवाइज जो आपका आटा है वो सूख जाएगा। और अब हम इसे सूखे आटे में लपेट लेंगे, और इस तरह से हम थोड़ा इसे हाथ से बढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आटा जो है वो हमारा बहुत ही सॉफ्ट है, तो बहुत इजीली इस तरह से हाथ से बढ़ता जाएगा। और ये देखिए आटा हमारा बहुत अच्छा स्ट्रेच हो रहा है, और इसे मैं थोड़ा सा सूखा आटा जो है वो मैं अपने शेल्फ पे लेके अब इसे बेल लेती हूँ। रुमाली रोटी को हमें सेंटर से नहीं बेलना है, किनारों से बेलते हुए जाना है। जब आप किनारों से बेलते हुए जाएंगे रोटी अपने आप ही स्ट्रेच होते हुए लंबी होती जाएगी, और बहुत पतला बेलना है इसे हमें। और इस तरह से बीच बीच में हल्का हल्का हम सूखा आटा लगाते हुए इसे बेल लेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम रुमाली रोटी बनाना इसलिए अवॉइड करते हैं,
कि इसे बेलने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत पतला बेलना होता है, तो एक एक रोटी को बेलने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि जिससे आप बहुत इजीली 2-3 चपाती जो है वो 2-3 रुमाली रोटी एक साथ बेल सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। इस तरह से हमारी रुमाली रोटी जो है वो बहुत ही पतली हो गई है। बीच बीच में आप इस तरह से करते हुए भी रोटी को बढ़ा सकते हैं थोड़ा, और ये रोटी हमारी इस तरह से स्ट्रेच हो जाती है। अभी हम इस रोटी को थोड़ा और बेल सकते हैं, किनारों से अभी भी हल्की सी मोटी है ये रोटी, तो मैं इसे थोड़ा और बेल लेती हूँ। ये हमने बहुत ही पतली रुमाली रोटी जो है वो बेल कर तैयार कर ली है। अब ये इतनी पतली है कि इसमें से मुझे अपने हाथों की फिंगर्स जो हैं वो बहुत ही ईजिली दिख पा रही हैं। और इस तरह से करते हुए हम एक्स्ट्रा का जो ऊपर सूखा आटा है वो हटा लेंगे, और ये रोटी हमारी बिल्कुल तवे पर जाने के लिए तैयार है। और इसी तरह मैं आपको बाकी की रोटी भी बेल के दिखाती हूँ कि किस तरह से आप बहुत सारी रोटी को एक ही साथ बेल सकते हैं। ये हमने 2 सेम साइज की रोटी के डो लिए हैं, और इसे हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सेम साइज के लेने की कोशिश करें, और इसे हम सूखे आटे में लपेटते हुए इस प्रकार से थोड़ा बेल लेंगे। इस तरह से हमने रोटी को थोड़ा बेल कर तैयार कर लिया है। इसे हम साइड में रख देते हैं, और इसी तरह से जो दूसरा हमने डो लिया था उसे भी हम इसी तरह से बेल लेते हैं। जब रोटी चिपकने लगे तो आप थोड़ा सूखा आटा यूज़ कर लें, और इसे हमें उतना ही बेलना है जितना हमने पहले वाली रोटी को बेल कर तैयार किया है, सेम साइज का ही बेलना है। और ये हमारी दोनों रोटी जो हैं वो लगभग सेम साइज की बनकर तैयार हो गई हैं। ये आप देखेंगे थोड़ी सी छोटी बड़ी है, लगभग सेम साइज है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने एक कटोरी में 1 छोटा चम्मच जो है वो घी का लिया है, या तेल भी आप ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा जो है ये सूखा आटा मिला दूंगी, और इस तरह से एक घोल तैयार कर लेंगे। और ये मैंने एक घोल बना लिया है, और इसे मैं इस तरह से रोटी पर लगा दूंगी। इस तरह से हम पूरी रोटी पर अच्छे से किनारों पर भी लगा देंगे, इसी भी एक रोटी पर आप लगा सकते हैं। और ये हमने पूरा घोल लगाकर तैयार कर लिया है इस तरह से रोटी को। और इस रोटी को मैं जो अपनी दूसरी रोटी हमने बेली है हम उसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। देखिए हमारी दोनों रोटी जो है वो लगभग हमने फैला के बराबर साइज की कर दी है। और अब हम इस पे लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा, और अब हम जिस तरह से बाकी रुमाली रोटी बेलते हैं उस तरह से इसे भी बेलते जाएंगे। ये हमने दोनों रोटी को मिलाकर इस तरह से बेल लिया है, और अब हम बहुत ही आराम से बहुत ही ध्यान से आपको ये काम करना है कि इन दोनों रोटी को हमें सेपरेट करते हुए जाना है धीरे धीरे, क्योंकि ये दोनों रोटी बहुत ही पतली है। तो बहुत ही ध्यान से आप ये काम करिएगा, अदरवाइज़ रोटी जो है वो फट जाएगी। और ये आप देखेंगे कि हमारी दोनों रोटी जो है वो बहुत ही पतली बिलकर तैयार हो गई है इस तरह से। आप चाहें तो इसे और पतला करना चाहें तो इस पर हल्का सा एक साइड पर सूखा आटा लगाइए, और इसे हम थोड़ा और किनारों से बेल सकते हैं। पर ये रोटी जो है वो ऑलरेडी बहुत पतली हो चुकी है, क्योंकि हमने डो का साइज छोटा लिया था, तो इससे ज़्यादा इसे नहीं फैला सकते। तो इस तरह से करते हुए हम हल्का सा रोटी को स्ट्रेच कर लेंगे, और ये हमारी 2 रोटी एक साथ बिलकर तैयार हो गई है। बहुत ही पतली अच्छी रोटी बिलकर तैयार हुई है। तो इस तरह से जब कोई गेस्ट आए तो हम 2-3 रोटी एक साथ बेल कर तैयार कर सकते हैं, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको कि रोटी बहुत पतली होती है तो कहीं चिपक के। अब हम रोटी को सेकना शुरू करते हैं। रुमाली रोटी को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इस तरह की कोई एल्युमिनियम की बर्तन की या कोई लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं, एल्युमिनियम की ही लेना प्रेफरेबल रहेगा। नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज़ आप मत कीजिएगा इस स्टेप के लिए, वरना कढ़ाई जो है वो ख़राब हो जाएगी। और इस कढ़ाई को हमें क्या करना है, गैस पे इस तरह से रख के अच्छे से गर्म कर लेना है, और गर्म करने के बाद हमें इस कढ़ाई को इस तरह से उल्टा करके इस पर रख देना है, और फिर इसके ऊपर हमें जो हमने रोटी बेल के रखी है वो रोटी हमें इस तरह से इस पर डालनी है और रोटी को सेकना है। और किनारों से आप रोटी डालने के बाद हल्का हल्का और स्ट्रेच करके रोटी को लंबा कर सकते हैं, लेकिन मैं ये काम तवे पर कर रही हूँ, कढ़ाई पे इस तरह से नहीं कर रही हूँ। मेथड आपको बता दिया मैंने, क्योंकि मेरा जो ग्लास टॉप है, कुक टॉप है, वो ग्लास का है, तो वो ब्रेक होने के चांसेस हैं, क्योंकि कढ़ाई जो है वो पूरी इसको टच हो रही है, तो कुक टॉप जो है उसका ग्लास ब्रेक हो सकता है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रही हूँ। अगर आपका कुक टॉप भी ग्लास का है तो आप इस तरह की कढ़ाई ना लें, या तो कढ़ाई का साइज़ थोड़ा छोटा हो, और नहीं तो हम इसे तवे पर भी बहुत इजीली बना सकते हैं और उतनी ही अच्छी रोटी बनती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि तवे पर ये रोटी हमें किस तरह से बनानी है। सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को ऑन करके तवे को बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे,
और जब तक हमारा तवा गर्म होता है तब तक आपको एक काम करना है, जब तक हमारा तवा जो है वो गर्म हो रहा है तब तक हमें क्या करना है, एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेना है, आधी कटोरी या उससे भी थोड़ा कम पानी आप ले लें, और उसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे और इस नमक को हम अच्छे से पानी में घोल लेंगे। नमक का पानी तैयार करना है, और ये नमक का पानी हमें कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ, वीडियो को देखते रहिए। तवा जो है वो इस तरह से मैंने चेक कर लिया है, तवा बहुत अच्छा गर्म हो गया है। अब हमें तवे को कुकटॉप पे इस तरह से उल्टा रख देना है, इस तरह से हम उल्टा रख देंगे और तवे को हम हल्का सा और गर्म होने देंगे। तवा हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है, अब हम जो हमने नमक का पानी बनाया था हल्के से हम पूरे तवे पे इस तरह से उसके छींटे लगा देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे तवे का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा और रोटी हमारी चिपकेगी नहीं उस पर। और अब जो हमने रोटी बनाई थी इसे हम इस तरह से तवे पर डाल देंगे, और अगर आपके तवे पे स्पेस है रोटी को और बड़ा करने का तो आप रोटी को और फैला सकते हैं। और ये देखिए जैसे ही बबल उठने लगे, रोटी पे बबल आने लगे, मतलब हमारी रोटी जो है वो एक तरफ से सिक गई है। अब हम रोटी की साइड चेंज कर देंगे। ऐसा करते हुए हमें एक दो बार पलट के रोटी को अच्छे से पका लेना है, और गैस की फ्लेम को मैंने लो से मीडियम के बीच में रखा हुआ है। आप रोटी को सेकने के लिए नैपकिन का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके किचन नैपकिन्स हैं, अगर आपको हल्के से ब्राउन चित्ते वाली रोटी पसंद है तो। और अगर आपको बिल्कुल वाइट रोटी पसंद है तो आप ये ऐसा स्किप कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि रोटी हमारी बहुत अच्छी सिक कर तैयार हो गई है, और गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। और इस तरह से करते हुए हम इसी टाइम पर रोटी को इस तरह से हैंकी की तरह फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल। ये आप देखेंगे कि रोटी को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट है ये रोटी, बिल्कुल भी टूट नहीं रही है। और इस तरह से हम बाकी की रुमाली रोटी भी बना के दिखाते हैं आपको। ये रोटी भी हमारी सिककर बहुत अच्छी तैयार हो गई है, और इसे मैं फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है बिल्कुल हैंकी की तरह, और बहुत ही सॉफ्ट रोटी है ये रोटी, चाहे आप शाम तक रखिए इसी तरह से इतनी ही सॉफ्ट रहेगी ये रोटी हमारी। और आप भी इस तरह की रुमाली रोटी को घर पे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और अपने जो व्यूज़ हैं वो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।